जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ तो लड़के चीख चीख होने ना, तो मैं कहता हूँ ये बदतमीजी, इन्होंने कंटेनर से सीखी। मैं यही तो ले रहे हैं, वो खुद होगा आनेस्ट, हम कहते हैं आनेस्ट होगा। और डेंटल की भी इतनी फीस हो गई है, सिटी स्कैन की भी इतनी बढ़ा दी है। नो नो, करप्शन कोई नहीं है, वो यार लैंड लॉर्ड सब चीज़ों के अब चले गए। ओबेसिटी की कह देनी, हेल्थ कार्ड कह देना, उल्टा आवाम से खींच रहे हैं वो। कल हुकूमत ने अपनी एक साल की कारकर्दगी पेश की है आवाम के सामने, आप उससे कितने मुतमईन हैं? कारकर्दगी क्या है, तो हमारा तो बिजनेस ही यहाँ पे लोगों से वास्ता रहता है। कोई आदमी भी मुतमईन नहीं है, हर आदमी कह रहा है कि बिजनेस डाउन पे डाउन जा रहा है, महंगाई का जोर पे है। बिजनेस मैन आदमी तो बेटा तकरीबन खामोश होकर बैठे थे। कारकर्दगी क्या, आम कॉमन आदमी को क्या फ़ायदा पहुँचा? किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं। प्रोग्राम तो बहुत है, प्रोग्राम तो सब कंपनी दे, साथ देते हैं, अपना कार्ड देते हैं, इंसाफ कार्ड तो हर चीज़ में दिया था, उसका भी प्रोग्राम वही कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई चीज़ मेंटेन, एक साल में क्या किया उन्होंने? एक ईंट भी नहीं लगाई है, मनसूबा नया, प्रोजेक्ट नया हो, एक एक मेगा वो क्या कहते हैं बिजली को पैदा किया, कुछ प्रोजेक्ट नए इन्होंने मेंटेन किए, बताएं कुछ नहीं, अभी पुराने कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे आम आदमी कॉमन आदमी का तो कोई खुशी नहीं, कोई खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, आल्सो आई एम नॉट हैप्पी विद दैट, मे बी आई हैव डिफरेंट ओपिनियन विच इज रूलिंग ओवर देयर पार्टी। सो बात यह, कॉमन आदमी तो खुश नहीं है बेटा। अब हमारा तो ये डीलिंग रहती है इधर पब्लिक के साथ, पब्लिक डीलिंग ना दुकानदारी में, तो अगर मैं वो लफ्ज़ यूज़ करूँ जो लोग औरतें खासकर इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज़ नॉट, यानी यू इज नॉट अलाउड टू एयर दैट वन है, दैट प्रॉब्लम क्रिएट फॉर यू। सो इसलिए ठीक है, आवाम मुतमईन नहीं है, आम आदमी। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ, मैं तो आई हैव डिफरेंट ओपिनियन, क्योंकि मैं तो दूसरी पार्टी से बिलोंग करता हूँ। सीधे ही बात है, ये फैक्ट है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बात करता, मैं आम आदमी की बात करता हूँ। आप सरेरा पूछ लें किसी से भी, ये बाजार चल रहा है मुस्लिम बाजार, यहाँ पे चले जाएँ किसी भी कामन आदमी को, गरीब आदमी को, जो पूरा है उसको पूछे को आपको रिलीफ मिला? याद ना, आज तो और भी धमाका हुआ कि 50 रुपये की पर्ची होगी, डायलिसिस इतने में होगा, सीटी स्कैन इतने में होगा, वो जो चीज़ें यानी सिविल अस्पताल लामा इकबाल में आम आदमी को मिलती थी ना, वो तो अभी दवाइयाँ भी नहीं मिलती भाई जान। तो आज तो वैसे ही बम गिर गया, 50 रुपये की पर्ची होगी, और डेंटल की भी इतनी फीस हो गई है, सिटी स्कैन की भी इतनी बढ़ा दी है, सब चीज़ों के अब चले गए। ओबेसिटी की कह देनी, हेल्थ कार्ड कह देना, उल्टा आवाम से खींच रहे हैं वो। तो मैं तो भाई इतना ही कहूँगा कि पीपल आर नॉट हैप्पी, दो आई एम आई बिलोंग टू सम वन सम पार्टी, लेकिन कामर आदमी खुश नहीं है। मैं कहूँगा तो वो प्रेजराइज होएगा, ये तो आदमी जो है ना वो अपनी जमात की बात कर रहा है, लेकिन आम आदमी बेटा आप किसी से भी पूछ लें, मुझसे नहीं। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट, दे आर नो प्रोग्राम। मेरे ख्याल से लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर इनके पास इन्होंने आना था, इनको पता नहीं था कि हमने आना है। आपको पता है शेडो गवर्नमेंट बनती है दुनिया में, है कि अपोजिशन जो होती है वो शेडो गवर्नमेंट बनाती है, कि जब भी अगर मौका मिलेगा तो हम ये मेनटेन कर देंगे। वो इन्होंने एक बहुत अपना काबल फादल आदमी था जो चुटकी में हल करते थे, सॉल्यूशन करता था, उमर असद उमर साहब, उसको फार कर दिया बेचारे को। वो दैट पर्सन हैव सिंपथी विद द पीपल इन फ्लोर ऑफ द असेंबली, ही सेज दैट वी स्ट्रिक द प्राइस ऑफ प्राइस राइस एंड अदर थिंग्स विच कॉमन पीपल यूज। तो ये मेरे ख्याल से तो कोई पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट। नईमुल हक साहब का कहना है कि जब वो हुकूमत में आए थे एक साल पहले तो खजाना तो हाल ही था, अब आगे मजीद आने वाले सालों में तरक्की। डोंट आस्क मी फ्रॉम अबाउट, डोंट टॉक दिस मैन नईमुल हक, आई नो हिम वेरी वेल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं वजीर खान साहब को लेने आया हूँ जब वो इधर वो असेंबली करनी थी, आई डोंट वांट टू टॉक ऑल दीज थिंग्स, दीज आर डांसिंग ऑन द ट्यून ऑफ अदर्स। कोई प्रोग्राम नहीं इनके पास, छोड़े यार, छोड़े मेरे बेटा, कोई बात नहीं है, इनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये लोग जो है ये मशीन जो है यही तो ले रहे हैं, वो खुद होगा आनेस्ट, हम कहते हैं आनेस्ट होगा वो, लेकिन मेरे से पर्सनल उसका मैटर है। ये अखलाकी तौर पे कितने थे, मैं कुवैत में एक वाकया हुआ था, ये खान साहब मैं उधर था, तो खान साहब कितने अखलाक से मिले थे, आई कांट रिपीट दैट स्टोरी। तो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी से आप पूछते हैं, नाइस, लोग अभी दुआएं देते हैं उनको, यार क्या करती है बेटा, लोग दुआएं देते हैं उनमें, कितनी 11 मेगावाट बिजली बनी, प्रोजेक्ट देखें, ये गाँव ये जो होते हैं ना, जब सड़कें जाती हैं ना तो वो तरक्की करते हैं, किसान का जो एक्सचेंज होता है मटीरियल लाना आना जाना सहूलतें हो जाती है, सड़कें जब बनती है ना तरक्की करता है वो मुल्क। तो वो तो उनके पास तो बहुत बड़ा प्लान था, इतने बड़े प्रोजेक्ट दिए, आज तैयार है F-16 हमारे लैंड करते हैं। वो जो जब मोटरवे बना था ना, तो मेरे साथ पीपल पार्टी के लोग बातें करते थे, ये क्या बेस्ट ऑफ मनी हुआ, लेकिन वहाँ पर हमारे F-16 लैंड कर रहे हैं। हम आज जाते हैं ना तो बड़े वो प्राउड से बताते हैं, हाँ मैं मोटरवे से गया था, यानी ये उन लोगों के पास वीजन था, बीएन था। ये रोड जो है बेकार तो नहीं है, रोड किसी कौम की तरक्की का निशान होते हैं।
लेकिन इतनी करप्शन भी तो की उन्होंने। नो करप्शन कोई नहीं है, वो दे आर लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पे मेरी उम्र नाउ आई एम 70 इयर्स ओल्ड, मैंने वो देखे हैं जो टीन की चादर लगा कर बैठे थे तलाई का काम, जो उनके उनके बाप से लेके करते थे मियाँ शरीफ साहब से, वो अरबपतियाँ यहाँ पे सियालकोट में भी। बिलीव मी मैन, आई एम नॉट टेलिंग यू लाई, वो आदमी जो उनसे माल काम लेके आते थे ना, वो अभी अरबपतियाँ यहाँ पे जो चाचे शरीफ साहब है मियाँ शरीफ से माल लेके आते थे, तो वो तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग थे लैंडलॉर्ड। ये कैसे बात करते हैं? नहीं, दे सैक्रीफाइस, दे आर लॉयल विद पाकिस्तान, दे आर लॉयल विद द पीपल, हम तो ये जानते हैं। तो ये हुकूमत लॉयल नहीं है? लॉयल होगी, मैंने किसी के छापता ये कि भाई ये लॉयल नहीं है, लॉयल होंगे। मैं क्या कहता हूँ कि दे आर नॉट पैट्रिक, दे आर पैट्रिक, बट इनके पास ये नहीं है, इनके पास कोई इतना अच्छा आइडियाज नहीं है। एक बात करते हैं उसकी नफ़ी कर देते हैं, आपको खुद पता है, आप सुन ले। अभी आज मैंने सुन रहा था वो एक प्रोग्राम पे समा पे, वो रिपीट कर रहा था खान साहब के वर्डिंग के, वो क्या कहते थे और अभी क्या है, वो ये बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता इतना भी प्रेजर नहीं मैं होता, अच्छा है वो खान साहब होंगे अच्छे, लेकिन उनके पास बेटा वो मेरा ख्याल है कि नहीं है, वो एक पार्टी नहीं है, जवाब नहीं है। वो सबसे बड़ी बात जो है ना, वल्गैरिटी बहुत हुई है कौम में। जब भी मैं सड़क पे जाता हूँ तो लड़के चीखे होने हैं ना, तो मैं कहता हूँ ये बदतमीजी इन्होंने कंटेनर से सीखी है, वो जो उधर रहे हैं धरना में, यकीन करें अफसोस होता है। मैं तो एक आम पाकिस्तानी दुआ करता है, या अल्लाह मेरे मुल्क की नस्लें आए, एक अच्छे पाकिस्तान भी जिंदगी गुजारे, एक मुल्क हमारा तरक्की याफ्ता मुल्क हो, इसके बच्चे जो है ना उनका मुस्तकबिल, हम तो चले जाएंगे, इनके बच्चों का मुस्तकबिल, नेक्स्ट जनरेशन जो आए ना, वो एक अच्छे पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारे, उनके लिए जॉब्स का मौका हो, अपॉर्चुनिटी हो, हमारे मुल्क में कारखाने बन रहे हों, जी खुशहाली हो, और अखलाकी तौर पर भी होना चाहिए, मॉरली दे शुड बी गुड। सबसे बड़ी बात यह है अखलाकी तौर पर भी हमें इनको जमातों को बच्चों को वेल दे मस्ट बी फर्निश्ड विद गुड एजुकेशन मैनर्स। ये तो है नहीं है, बदतमीज़ कौन पैदा हो रही है, ऐसे हम बच्चे हैं जो उनको पता नहीं है बड़ों का अदब क्या है, एहतराम का, ये कहाँ से सीखा उन्होंने, सीखें तो वी मस्ट टीच देम, यू मस्ट पे रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स एंड द लव टू द कंट्री आल्सो। क्या अफसोस होता है, डिसबैलेंस हो गया सोसाइटी, सोसाइटी डिसबैलेंस होगी बेटा, आप तो बीइंग ए वूमेन ना, यू मस्ट थिंक साइड अदर साइड, माशरे में बहुत मैंने, मुझे कई लोग आते हैं यार बच्चों के रिश्ते देखना, ये देखना वो देखना, बच्चे नहीं अच्छे नहीं हैं, पढ़ी लिखी बच्ची हैं हमारी इतनी एजुकेटेड हो गई हैं, लेकिन माशरे उस हिसाब से दूसरी तरफ से मेल की तरफ से उस तरह प्रमोट नहीं हुआ। तो जिस तरह के नए पाकिस्तान का वादा किया गया था वो पूरा होता नजर आ, वो ख्वाब है क्या, हाउ दे कैन डिसीव अस, वी आर नॉट लिविंग बैक बैड एरिया प्रेजेंट टाइम, कौन सा वक्त जा रहा है आप देखें, दुनिया कहाँ पे जा रही है, हम पढ़ते हैं दुनिया में इन्वेंशन हो रही है, हो रहा है, हो रहा है, तो हमारा मुल्क तो बैक जा रहा है। यहाँ पे आपस में हाथ मिलाना ही पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, कंप्रेस करना चाहिए, मिल के चलना चाहिए मुल्क, सब फरिश्ते नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है बेटा, किसी में भी फरिश्ते नहीं, अच्छे लोग हैं, बस मैं आपसे ज़्यादा कह सकता हूँ आपको। थैंक यू फॉर योर नाइस विजिट है। हाँ।